आप लोग समझ सकते हो उस बात को, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे रोते बिलखते छोड़ के आई हूँ। आप समझ सकते हो 5 महीने का बेटा मेरे बगैर कैसे रह रहा होगा। देखिए तो यहाँ पे भावुक होती महिला अपना दर्द बता रही है कि किस तरह से और परेशान हो रही है। मैम ये बताइए, अच्छा कितने दिन चलेगा ये दर्द? ये जब तक चलेगा जब तक हम लोगों को जॉइनिंग नहीं मिलेगी, ये जब तक चलेगा। प्रशासन को हमारा हक हमको देना पड़ेगा, हमको उनसे भीख नहीं मांग रहे, हमारा अधिकार है, हमको जॉइनिंग देनी पड़ेगी उनको। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं पॉलिटेक्निक चौराहे पे और शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के OBC कैटेगरी के अभ्यर्थी यहाँ पर आ चुके हैं शिक्षा मंत्री से मिलने। अब इन्हें मिलने दिया जाएगा या नहीं, या अपनी बात ये शिक्षा मंत्री तक पहुँचाएंगे या नहीं, सीधे इनसे बात करते हैं। तो सर क्या आप लोग जाएंगे शिक्षा मंत्री से मिलने? हाँ मैम, कल क्या है, हम लोग DPI गए थे तो उनने एक ऑर्डर का हवाला दिया था जो GAD विभाग का था। हमारे कुछ साथी GAD विभाग में गए थे तो उनने ये बोला है कि ये आप पे लागू नहीं होता है, शिक्षा विभाग ने हमसे स्पष्टीकरण नहीं मांगा है, अगर वो मांगते तो हम देते। अब हम इसको लेकर आज हमारी रणनीति थी, हम इंदर सिंह परमार जी से, हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे मिले, तो हम यहाँ आ रहे थे। कल परमिशन भी ले ली थी लेकिन वो नहीं लिया था टाइम अभी, तो हम आ रहे थे तो यहाँ पुलिस ने हमें रोक लिया। क्या लगता है, अपनी मांगे मानी जाएंगी? बिल्कुल मानी जाएंगी, हम जब तक रुकेंगे यहाँ भोपाल में जब तक हमको 882 लड़का लड़कियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिलेंगे जब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। हम सुनेंगे, उनको सुनना ही पड़ेगा, जब हम लोगों ने उनको हमारी बात सुनने के लिए बिठाया तो उनको हमारी बात सुननी ही पड़ेगी। हम लोगों को जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है और केवल OBC वर्ग को ही परेशान किया जा रहा है। हम लोगों के साथ 882 लोग हैं और हमारे परिवार वाले भी है, तो उनको हमारी बात सुननी ही पड़ेगी। और हम यहाँ से जब तक हमारा नियुक्ति पत्र हमारे हाथ में नहीं देंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अच्छा, महिलाओं को तो बहुत दिक्कत भी होती घर। मैं मेरा 5 महीने का बेटा घर पे छोड़ के आई हूँ, आप लोग समझ सकते हो उस बात को, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे रोते बिलखते छोड़ के आई हूँ। ये प्रशासन की तानाशाही है जो हमारी बात नहीं सुन रहा है, इनको हमारी बात सुननी ही पड़ेगी और हमको ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी। जब तक ये ज्वाइनिंग नहीं देंगे तब तक हम भोपाल में हर क्षेत्र में हर जगह पे धरना प्रदर्शन करेंगे, यही हमारी मांग है बस। आप भावुक हो रही हैं तो मुझे लगता है कि रिश्तेदारों द्वारा काफी बेइज्जती भी हुई। सब जगह जगह सही कर दिए हम लोगों की, हम जाने वाले थे और इन वक्त पे हम लोगों के नियुक्ति पत्र रोके गए और प्रशासन ने कोई कारण नहीं बताया कि आपके नियुक्ति पत्र क्यों रोके गए हैं। हमको कारण बताएं सबसे पहले, तो हम जानना चाहते हैं कि हम लोगों को क्यों रोका गया है। रीजन नहीं बताया हम लोगों को, ये कैसी तानाशाही, ये कैसी सरकार है, ये कैसे अधिकारी लोग बैठे हैं आगे जो हम लोगों की बात नहीं सुन रहे। हमारी बात नहीं सुनेंगे तो किन की बात सुनेंगे फिर? जब कहा जाएगी मुंह में निवाला डाल के निकाल दिया। हम लोगों के आगे थाली परोसी गई है, हमको न्योता दे के बुलाया गया, थाली दिए, खाने वाले थे और बोले तुमको नहीं खाने देंगे, बस कारण नहीं बता रहे कि क्यों नहीं खाने देंगे, कैसी वाली बात हो गई हम लोगों के साथ। घर परिवार छोड़ के आई, छोड़ के आ रही हूँ ना, मेरा 5 महीने का छोटा बेटा और 3.5 साल की गुड़िया छोड़ के आई हूँ मैं। आप समझ सकते हो 5 महीने का बेटा मेरे बगैर कैसे रह रहा होगा। देखिए तो यहाँ पे भावुक होती महिला अपना दर्द बता रही है कि किस तरह से और परेशान हो रही है। मैम ये बताइए, अच्छा कितने दिन चलेगा ये दर्द? ये जब तक चलेगा जब तक हम लोगों को जॉइनिंग नहीं मिलेगी, ये जब तक चलेगा। प्रशासन को हमारा हक हमको देना पड़ेगा, हमको उनसे भीख नहीं मांग रहे, हमारा अधिकार है, हमको जॉइनिंग देनी पड़ेगी उनको। सरकार का दिल पिघलेगा, जरूर पिघलेगा, पिघलना ही पड़ेगा, उनको सुनना पड़ेगा हमारी बात। महिलाएं बहुत ही भावुक हो रही हैं क्योंकि अपने छोटे छोटे बच्चों को, 2 साल के बच्चों को वो छोड़कर आई हैं सिर्फ अपना हक लेने।